असलम यू टू फैमिली आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आज बना रही हूँ मैं सेवैयाँ खीर तो मैंने कहाँ दिखाती हूँ आपको ये मैंने दूध उबाला दूध अच्छे से पका लिया उबाल लिया उसको फिर उसमें मैंने सेवैयाँ डाली थोड़ी सी और या आधा लीटर दूध है उसमें मैंने सेवैयाँ डाली छोटी कटोरी से और इसमें मैंने शक्कर डाली एक कटोरी और ये मैंने डाली किशमिश थोड़ी सी चिरौंजी डालूंगी और खोपरा डालूँगी आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं उसमें ये चिरोजी डाल दी मैंने आप इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। ये मैंने खोपरा डाला इसमें और ये हमारी तैयार होने जा रही है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दस मिनट में तैयार हो जाती है बस आप दूध अच्छे से पका लें और आपको जितनी जैसे भी और भी चीज़ें डालनी है तो आप डाल सकते हैं आप मावा डाल सकते हैं इसमें और ये है आप अपन पघा घी से घी से पघाते हैं तो उसका मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है उससे वो खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है एक बार आप ज़रूर बनाइएगा इसे ये तो मैंने तीन इलायची डाली इसको मैंने पखारूँगी मैं इसको इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है जो बघार बघार की होती है ना हाँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हाँ। और आप लोग भी बनाइए और बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये देखिए खीर तैयार है एकदम जल्दी में कभी मेहमान आ जाते हैं अपने तो पर आराम से बना सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फटाफट बन जाती है